पृथ्वी पुराण के एपिसोड 3 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां भगवान शिव का विवाह हो जाता है दक्ष प्रजापति की पुत्री सती जी के साथ, और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं और बाद में नंदी जो दक्ष प्रजापति के ही सेवक थे भगवान शिव की सेवा में आ जाते हैं। श्रोताओं, इस तरीके से धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। भगवान शिव और माता सती बड़े आनंद के साथ रहने लगे, परंतु आपको बता दूं कि माता सती ने भगवान शिव को एक वरदान दिया था। जब भगवान शिव ने आदि शक्ति भगवती प्रकृति स्वरूपिणी देवी की आराधना की थी, उस समय देवी जी ने वरदान दिया था कि जिस समय तुम मेरा अपमान कर दोगे उस समय मैं तुम्हें छोड़ करके अपने परम तत्व में विलीन हो जाऊंगी। देखिए श्रोताओं, समय निकला और 28वां वैवस्त मनवंतर का 28वां त्रेता युग आ गया। भगवान श्री राम अवतरित हो जाते अयोध्या में महाराज दशरथ के यहां, और उनकी माता केकई द्वारा उन्हें वनवास प्रदान कर दिया जाता है। जब भगवान श्री राम वन को गए तो वहां माता सीता का हरण दुष्ट रावण द्वारा कर लिया जाता है। भगवान राम और लक्ष्मण जी सीता जी को खोजते हुए वन में फिर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, विरह विकुल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई, कबहू योग वियोग न जाके, देखा प्रकट दुसई दुख ताके। जानकी जी के वियोग में श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की नाई व्याकुल हुए फिर रहे हैं। जिन रामचंद्र जी को कभी योग का वियोग का उनमें कोई भी प्राकट्य नहीं देखा, उनको आज इस तरीके का असह दुख देखा, यह केवल लीला मात्र है। और जब भगवान राम इस तरीके से वन में भटक रहे थे, श्रोताओं तुलसीदास जी ने भी इसका वर्णन किया है रामायण में, तो भगवान शिव ने भगवान श्री राम को देखा। शंभो समेत राम देखा, ये उपजा अति हरस विशेखा, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जान न कीन चिन्हारी। तुलसीदास जी ने भी लिखा है इस बात को रामायण में, शिव जी ने उस समय श्री रामचंद्र जी को देखा तो हर्ष में हृदय प्रसन्न हो गया, छवि के समुद्र को देखा किंतु बुरा समय विचार कर कुछ चिन्हारी नहीं की, क्योंकि उसमें भाव यह है कि रामचंद्र जी के बाणों के सन्मुख इस समय मेघनाथ रावण आदि बड़े बड़े वीर योद्धा मरते हुए भगवान शिव त्रिकालदर्शी थे, उनको नजर आ रहे थे। जय सच्चिदानंद जग पावन, असके चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुन पुन पुलकित कृपा निकेता। हे प्रभु आपकी जय हो, आप सत चित प्रकाश चैतन्य आनंद रूप को जग पावन अर्थात ये चरित्र जगत के पवित्र करने के हेतु करते हो। ऐसा कहकर कामदेव के मारने वाले भगवान शिव ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और सती जी समेत आगे बढ़ गए। सती सो दशा सम्मुखी देखी, और उपजा संदेहो विशेखी, शंकर जगत तो बंद जगदीशा, सुर नर मुन सब नाबत सीसा। सती जी ने जब भगवान शिव की ये दशा देखी तो भ्रम उत्पन्न हो गया और मन में विचार करने लगी कि भगवान शिव इस सकल संसार के स्वामी हैं, फिर ये इनको क्यों प्रणाम कर रहे हैं, जबकि संपूर्ण संसार
भगवान शिव को प्रणाम करता है। तेन नृप सुतई कीन प्रणामा कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छविता सुबिलोकी अजऊ प्रीत उर रहित न रोकी। उन शिवजी ने राजाओं के पुत्रों को, क्योंकि भगवान श्री राम नरस्वरूप में लीला कर रहे थे, तो सती जी विचार कर रही है कि ये राजा के पुत्र हैं और इनको मेरे प्रभु भगवान शिव ने प्रणाम क्यों किया, और वो भी सच्चिदानंद परम धाम कहकर। उनकी छवि देखकर मग्न हो गए, अब भी प्रीति हृदय में रोकने से नहीं रुक रही है। जो ब्रह्म ब्रह्मांड व्यापक विरज अजय अर्थात जन्म और कला से रहित अनहि अभेद वह देहधर के क्यों मनुष्य रूप में आएगा कि जिसको वेद भी नहीं जानते। भगवान शिव से माता सती कह रही है कि प्रभु आपने इनको प्रणाम किया है, ये कौन है और ये तो मुझे राजा के पुत्र दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान शिव क्या कहने लगे, विष्णु जो सुरहित नरतन धारी सोई सर्वज्ञ यथा त्रपुरारी खोजत सो एक अज्ञ एव नारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, भगवान शिव माता सती से कहने लगे कि हे सती जी, भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं के हेतु शरीर धारण करते हैं तो ऐसे ही सर्वज्ञ होते हैं जैसे मेरे स्वामी त्रिपुरारी हैं। वे क्या अज्ञानियों की नाई अपनी स्त्री को ढूंढते फिरते, लक्ष्मीपति तो ज्ञान के स्थान और राक्षसों के मारने वाले सर्वत्र हैं, फिर इस तरीके से क्यों घूम रहे हैं। माता सती बोली, शंभो गिरा पुनमृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई असु संशय मनु भयु अपारा होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी की वाणी भी झूठी नहीं हो सकती। माता सती जी सोच रही है कि भगवान शिव ने इनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया और साक्षात भगवान विष्णु का अवतार बता रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं और सब भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता है। ऐसा संदेह मन में बहुत हुआ, हृदय में ज्ञान प्रचार समाप्त हो गया। यद्यपि प्रगट न कहू भवानी हरि अंतर यामी सब जानी। भगवान शिव के सामने सती उस भेद को प्रकट नहीं कर रही है। मन में बड़ा संदेह हो गया कि ये कैसे विष्णु के अवतार हैं जो एक स्त्री को एक कामी पुरुष की भांति खोजते फिरते हैं। क्या ये इतना पता भी नहीं लगा सकते कि इनकी स्त्री का हरण कौन करके ले गया है। ये सती जी के मन में बड़ा संशय हो गया और भगवान शिव से कह नहीं रही है, तो भगवान शिव अंतर्यामी थे, जान गए और कहने लगे, सुनहू सती तब नारी सुभाव संशय असना धरो मन काऊ। भगवान से बोले, सती तुम्हारा स्त्रियों का स्वभाव है, ऐसा संदेह कभी मन में नहीं करना चाहिए। ये भगवान विष्णु के अवतार साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भक्ति जासु में मुनिन सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत सदा जाए मुन धीरा। जिसकी कथा अगस्त जी ने अपने भक्तों को सुनाई और मैंने भी ऋषि मुनियों को कई बार सुनाई, वे ही ये मेरे प्रभु परम पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, तुम संशय मत करो। परंतु पार्वती जी हट पर जाती है, कहने लगी प्रभु मेरे मन में यह विश्वास नहीं होता, ये तो कोई राजा के पुत्र दिखाई देते हैं, तुम इनको कैसे पारब्रह्म परमेश्वर कह रहे हैं। ये बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, जो तुमरे मन अति संदेहू तो क्यों न जाए परीक्षा लेहू।
तब लग बैठ रहो बट छाई, जब लग तुम आए मुई पाही। भगवान से बोले सती जी, यदि अधिक संदेह तुम्हारे मन में हो रहा है तो जाओ और इनकी परीक्षा ले लीजिए। मैं तब तक कहीं वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करौ सो यतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करई विचार करऊ का भाई। भगवान से बोले सती जी, जैसे तुम्हारा भ्रम जाए तुम वही उपाय करो, परंतु ध्यान रहे विवेक और ज्ञान से यत्न करना है। जाओ और तुम इनकी परीक्षा ले लो कि ये कौन है। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के सती जी मन में विचार करके कि मैं इनकी परीक्षा लेती हूं ये कौन है, भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चल देती है। यहां शंभु सुमन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। मोरे कहे न संशय जाई, विद विपरीत भलाई नाही। यहां शिवजी भी मन में विचार करने लगे कि अब सती जी की भलाई नहीं है, सती जी का विवेक नष्ट हो गया, क्योंकि जब मेरे कहने से भी इनका संदेह नहीं गया तो विधाता इनके विपरीत हो गए। हो ऐसो जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। अस कई लगे जपन हर नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। होगा वही जो भगवान श्री राम ने रचा है, तर्क ना करके कौन विस्तार करे या कौन शाखा बढ़ा सकता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भगवान शिव तो अपने प्रभु श्री राम जी का नाम जपने लग गए और माता सती जहां भगवान श्री राम सीता जी को खोजते हुए चले जा रहे थे वहां पहुंच जाती है। पुन पुन हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होए चलई पंथ, आगे होई चल पंथ तेई जई आवत नर भूप। सीता सती जी मन में विचार करती हैं कि मुझे सीता का रूप धारण करना चाहिए। सीता जी का रूप धारण कर लिया भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए, और जहां भगवान श्री राम सीता जी को खोजते चले आ रहे थे वहीं आके आगे मार्ग में बैठ गई। लक्ष्मण देखो उमाकृत बेसा, चकित हृदय भ्रम भयउ विशेषा। कई न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी ने जब सती का बना हुआ रूप देखा तो मन में आश्चर्य और भ्रम हो गया। पहले अवतार में जानकी जी रावण के मारने के पीछे मिली थी, अब की अवतार में ये पहले कहां से आ गई। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि हमने जब पहले कल्प में अवतार धारण किया था तो सीता जी रावण की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई थी, लेकिन इस अवतार में तो ये रावण वध से पहले ही मिल गई। अति गंभीर और मतिधीर भगवान श्री राम ये सब जान गए और लक्ष्मण जी के मन की बात भी जान गए। लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से कुछ नहीं कहा, सोचने लगे कि प्रभु से क्या कहूं। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतरयामी। सुमरत जाए मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। भगवान श्री राम ने जब सती जी को देखा तो पहचान गए, उनका भाव और अंतर जान लिया कि सती जी मेरी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। जिनके स्मरण करते ही अज्ञान मिट जाता है ये वे ही सब कुछ जानने वाले भगवान श्री राम हैं। सती कीन चहे तहां दुराऊ, देखो नार स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बे बोले बेहस राम मृदुबानी। वहां भी सती जी छिपाव करना चाहती है, ये स्त्री के स्वभाव का प्रभाव तो देखो। यानी यहां
स्वयं जगत स्वरूपिणी प्रकृति स्वरूपा माता सती में स्त्री के गुण प्रभावी हो गए और वह भगवान श्री राम का ही परीक्षण करना चाहती है। भगवान श्री राम अपनी माया का बल हृदय में विचार कर हंस करके बोली, जोर पाण प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू कहू बहोर कहा ब्रस के तू विपिन अकेलु फिरे के ही है तू। भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर पिता समेत अपना नाम लिया कि मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं और हे माता तुम यहां वन में अकेली क्यों घूम रही हो, क्या कारण है, भगवान शिव कहां है। अब तो सती जी को जब भगवान श्री राम ने माता कहकर के संबोधित किया तो सती जी का भ्रम टूट गया। राम वचन मृद गूढ़ सुन उपजा अति संकोच सती सभी तो महेश पर चली हृदय बड़ सोच सियावर राम जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के वचन कोमल और गूढ़ युक्त सुनकर सती अत्यंत लज्जित हो गई। सती जी डरती हुई भगवान शिव के पास चली और मन में बड़ा सोच छा गया, विचार कर रही है, मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पे आना जाय उतर अब देउ काहा और उपजा अति दारुण दाहा। मैंने शिव जी का कहना नहीं माना और अपनी मूर्खता से श्री राम जी के पास चली आई, जाकर उनको अब क्या उत्तर दूंगी, यह समझकर मन में बड़ा दारुण दुख उत्पन्न हुआ। देखिए श्रोताओं, अब यहां से आगे का वर्णन आपको अगले एपिसोड में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।